और देखिए कोलिहान माइंस में हादसा, और हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें हैं। ये 8 तस्वीर आप देख लीजिए, कोलिहान माइंस में हादसा की पहली तस्वीर है, रेस्क्यू ऑपरेशन की दूसरी तस्वीर, मौके पर जो अधिकारी है वो मौजूद है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और चौथी तस्वीर जरा देख लीजिए कि किस तरह से एम्बुलेंस तैनात है कि जैसे ही वो बाहर निकले तो उनको तुरंत जयपुर के लिए रवाना किया जाए। और ये 5वीं तस्वीर देख लीजिए जिसमें आप देख पाएंगे कि जो अभी तक निकले हैं 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, वो तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद आप अगर 6वीं तस्वीर देखेंगे तो देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एम्बुलेंस से उनको जयपुर के लिए भेजा गया है। सबसे पहले फर्स्ट एड उनको दिया गया, उसके बाद जयपुर के लिए उनको भेजा गया। और ये तस्वीर देख लीजिए 7वीं, जिसमें एम्बुलेंस के माध्यम से जयपुर की तरफ एम्बुलेंस आती हुई आपको नजर आ रही होगी। 8वीं तस्वीर है अस्पताल की, जहां पर उनका इलाज जारी है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। तो ये 8 तस्वीर इस पूरे हादसे को बताने के लिए काफी है कि किस तरह से हादसा हुआ, किस तरह से ऑपरेशन चलाया गया, कैसे मौके पर अधिकारी मौजूद है, एम्बुलेंस तैनात है, कैसे उनको बाहर निकाला गया, एम्बुलेंस से जयपुर कैसे लाया गया, और अस्पताल में फिलहाल ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अब है अस्पताल में उनका इलाज जारी है, उपचार जारी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है, तो ऐसे में उनका उपचार यहाँ पर जारी है। तो ये 8 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और सुबह से ही पल पल की अपडेट भी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ, हादसे के बाद किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। और देखिए मैं आपको जानकारी दी थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, 14 जिंदगियां, और इन 14 जिंदगियों में से 10 को बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा चरण जो है वो पूरा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तीसरे चरण में 2 लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि अभी तक 10 ऐसे लोग हैं जिनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं खेतड़ी से, जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। आपको बता दें कि जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल लेकर आया गया सभी घायलों को। कल रात 8:30 बजे ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि लिफ्ट की चेन टूटने से पूरा हादसा हुआ, जिसमें 14 अधिकारी फंस गए थे, उन 14 में से 10 को निकाल लिया गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खदान में यह हादसा हुआ, और इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था, और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा चरण पूरा हो चुका है। तीसरे चरण की बात करें तो इसके माध्यम से 2 लोगों को निकाला गया। पहले चरण की अगर हम बात कर ले तो देखिए 3 लोगों को सबसे पहले बाहर निकाला गया था, दूसरे में 5 लोगों को, और तीसरे के अंदर 2 लोगों को बाहर निकाला गया। तो ऐसे में कुल 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। जयपुर उनको रेफर कर दिया गया है, सबसे पहले फर्स्ट एड उनको दिया गया, और उसके बाद मणिपाल हॉस्पिटल उनको लेकर आया गया है, जहाँ पर उनका उपचार जारी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके पैर में फ्रैक्चर आया है, और कुछ को मामूली चोट लगी है, ऐसे में उनका उपचार मणिपाल हॉस्पिटल में लगातार जारी है। लेकिन ये लाइव तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से हलचल वहां पर नजर आ रही है। पुलिस के आला अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार यहां पर जारी है, और रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा चरण पूरा हुआ। और ऐसे में देखिए सभी जो टीम यहाँ पर वर्क कर रही है, जो लगातार रेस्क्यू में मदद कर रही है, उनको सलाम करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, और आप देखिए कि 8:30 बजे हादसा हुआ और अभी 11 बज रही हैं, और ऐसे में जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को किया गया, ऐसे में सलाम उन लोगों को जो मौके पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर आप ज़रा देख लीजिए कि किस तरह से जो एम्बुलेंस है उसके माध्यम से जयपुर उन लोगों को भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब वो जयपुर पहुँचेंगे उनका उपचार यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि बड़ा हादसा ये हुआ है। और लिफ्ट को अगर सही से मेंटेन पहले किया जाता, उसकी सर्विसेज पर ध्यान दिया जाता, तो ये हादसा आज नहीं होता। क्योंकि जिस तरह से लिफ्ट की चेन टूटी है, तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि मेंटेनेंस की कमी यहाँ रही, मेंटेनेंस का फेल्यूर यहाँ पर रहा। तो ऐसे में अगर लिफ्ट पर पहले ध्यान दिया जाता तो ये हादसा नहीं होता। लेकिन अब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ये 8 तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया, किस तरह से हादसा हुआ, और हादसे के बाद कैसे जो है इस ऑपरेशन को चलाया गया, कैसे 3 चरणों में अभी तक 10 लोगों को बाहर निकाला गया। सबसे पहले 3 लोगों को बाहर निकाला गया, उसके बाद 5 लोगों को, और उसके बाद 2 लोगों को। ये 8 तस्वीर एक बार देखिए, इस 8 तस्वीर से हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ, हादसे के बाद कैसे ऑपरेशन को चलाया गया। पहली तस्वीर है माइंस की, जहां पर यह हादसा हुआ, ये वही लोकेशन है जहां पर यह हादसा हुआ। पहली तस्वीर में हम आपको वो लोकेशन भी दिखा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि एसडीआरएफ के जो टीम के लोग हैं वो मौजूद है वहां पर, साथ ही प्रशासन वहां पर मौजूद है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां पर शुरू किया गया, मौके पर अधिकारी है। तीसरी तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, चौथी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि एम्बुलेंस को वहां पे एक्टिव कर दिया गया था, कलेक्टर ने दिशा निर्देश दिए थे एम्बुलेंस को
एक्टिव होने की। इसके बाद देखिए किस तरह से तमाम लोगों को यहाँ पे बाहर निकाला गया, पांचवी तस्वीर में देख पा रहे होंगे और छठी तस्वीर से ये समझ पा रहे होंगे कि फर्स्ट एड देने के बाद कैसे उनको एम्बुलेंस से जयपुर के लिए भेजा गया। और ये तस्वीर देख लीजिए सातवीं, जिसमें एम्बुलेंस जयपुर की तरफ आती हुई आपको नजर आ रही होगी, जयपुर उनको लाया गया है, मणिपाल हॉस्पिटल में उनका उपचार जारी है। और आठवीं तस्वीर है अस्पताल की। तो ये आठ तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप ये समझ पाएं कि कैसे यह हादसा हुआ और कैसे तुरंत उन लोगों को निकाला यहां पर किया गया, किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। क्योंकि बड़ा हादसा, 14 लोगों की जिंदगियों की बात थी, तो ऐसे में उन 14 लोगों को बाहर निकालना, क्योंकि जहां से बाहर निकाला जा रहा था वहां पे स्पेस भी उतना नहीं है, ऐसे में तमाम जो चैलेंजेस है उसको देखते हुए भी इन 14 लोगों की जिंदगियों का सवाल था, तो ऐसे में ये पूरा ऑपरेशन समझना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। तो हम आपको ये लाइव तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आठ तस्वीरों के माध्यम से लगातार ये समझा रहे हैं कि कैसे इस ऑपरेशन को किया गया, कैसे हादसा हुआ और किस तरह से अब जो है उनका उपचार मणिपाल हॉस्पिटल में किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान की मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने खुद ने दिशा निर्देश दिए हैं तमाम अधिकारियों को, इसको लेकर खुद वो नजर बनाए हुए हैं। और देखिए अब जो है चार लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहर निकालना है, क्योंकि 14 अधिकारी यहां पर फंसे थे लिफ्ट के अंदर और इसके माध्यम से 10 लोगों को निकाल लिया गया है, 10 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया, उनको अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी 4 लोग ऐसे बचे हैं जिनको निकालना है। तो तीसरे चरण की अगर बात करें तो 2 लोगों को बाहर निकाला गया है। आपको पुलिस के तमाम अधिकारी नजर आ रहे होंगे, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर नजर आ रहा होगा, एसडीआरएफ की टीम आपको नजर आ रही होगी और आसपास के लोग भी यहाँ पर एकत्रित नजर आ रही हैं और परिजन भी हैं यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर फंसे हैं, जो अधिकारी यहाँ पर फंसे हैं उनके परिजन भी यहाँ पर है। तो ऐसे में एक हलचल यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब इंतजार है उन लोगों का जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, उनके परिजनों की आंखें अब इंतजार कर रही है अपनों को देखने के लिए। और देखिए कितना लंबा वक्त हो गया है, 8:30 बजे हादसा हुआ और अब काफ़ी ज़्यादा इस हादसे को हुए टाइम हो चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और जिनको ज़्यादा चोट लगी थी सबसे पहले उन्हें बाहर निकाल कर उपचार के लिए भेजा गया। तकरीबन 15 घंटे हो चुके हैं हादसे को और 10 लोग इस 15 घंटे के अंदर बाहर आ चुके हैं। तो बड़ा हादसा ये हुआ खीतुड़ी के अंदर और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेस्क्यू को लेकर जानकारी भी ली है, क्योंकि 14 अधिकारी इसके अंदर फंसे थे, 14 लोगों की जिंदगियों की बात थी और इन 14 लोगों की जिंदगियां कितनी ज्यादा कीमती है ये खुद मुख्यमंत्री शर्मा भी जानते हैं। उनको पता है कि एक एक व्यक्ति की जिंदगी कितनी ज्यादा अहमियत रखती है, इसीलिए वो पूरे इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों से अपडेट वो ले रही हैं, तमाम दिशा निर्देश उनको अगर लग रहा है तो वो भी आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर देती हुई नजर आ रही हैं और खुद पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है और पूरे ऑपरेशन को किया जा रहा है और उन अधिकारी के जो परिजन है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अपनों को अब देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही है। तो देखिए अब भी ऑपरेशन की अगर हम बात करें, 3 चरणों में इस ऑपरेशन को अभी तक तो किया गया है। पहले चरण के अंदर 3 लोगों को बाहर निकाला गया था, उसके बाद 5 लोगों को बाहर निकाला गया और तीसरे चरण के अंदर 2 लोगों को बाहर निकाला गया। खीतुड़ी से लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं, पल पल की अपडेट हम आपको दे रही हैं कि किस तरह से तमाम लोग यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, पुलिस का जाब्ता आपको नजर आ रहा होगा, भारी पुलिस यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा एसटीआरएफ की टीम हमारे साथ में, हमारे सहयोगी प्रदीप बने हुए, उनसे भी हम जानकारी ले रहे हैं लगातार। प्रदीप अभी हम लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप भी एक बार अपनी जुबानी जरा विस्तार से तस्वीरों को बयां करिए कि कैसा वहां पर अभी स्थिति है, कैसे स्थिति बनी हुई है, कितने लोग अभी फंसे हुए हैं, कितनों को बाहर निकालना है, कितना वक्त और लगेगा।
अब तक अपडेट है हमारे साथ सर, आप रेस्क्यू पूरा सफल हो चुका है, सब लोग बाहर आ चुके हैं सर, 15 लोग थे ना सर, 15 लोग तो पूरे के पूरे रेस्क्यू सफल हुआ, देश दूतों ने आखिरकार सफलता अर्जित कर ली सर, क्या कहना चाहेंगे सर इस सफलता को लेकर? बिल्कुल, 15 लोग यहां पर और 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, 5 जिंदगियां जो हैं उन्हें अभी निकालना है, यहां पर 5 जिंदगियों की बात है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि कितने चरण में उन 5 लोगों को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि 3 चरण के अंदर कुल 10 लोगों को निकाला गया है। हाँ जी सर, आपका नाम बताएं? मेरा नाम धर्मेंद्र, SDRF। धर्मेंद्र जी, अभी तक ये ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एम्बुलेंस में किस तरह से उन लोगों को बिठाया जा रहा है। प्रदीप देखिए, अभी तक 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, अभी आप ये जानकारी दीजिए कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जो लोग अभी तक नहीं निकल पाए हैं उनके परिजन भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा प्रदीप, हम देख पा रहे हैं कि जो तमाम लोग हैं अधिकारी उसमें फंसे थे उनको निकाल लिया गया है, अब जो है हॉस्पिटल उनको भेजा जा रहा है। हम एक बार आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि उनकी स्थिति कैसी है, जिन लोगों को अभी बाहर निकाला गया है। तो देखिए, सभी को बाहर यहां पर निकाल लिया गया, सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन हो गया है, जिसका इंतजार हम सभी को था वो इंतजार अब खत्म हुआ है। जिंदगी की जीत ये जीत चुके हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि 14 लोग इसके अंदर फंसे थे और उन 14 लोगों को निकालना इतने कम समय में अपने आप में एक बड़ा चैलेंज यहां पर नजर आ रहा था, लेकिन हमारी जो टीम है उन्होंने ये करके दिखाया। SDRF की टीम वहां पर लगी हुई थी, तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो खुद यहां पर मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए थे, आवश्यक दिशा निर्देश वो लगातार दे रहे थे, क्योंकि 14 जिंदगियों की बात थी और अब उन 14 जिंदगियों को बाहर तो निकाल लिया गया है, लेकिन अभी जो 4 लोग और बाहर निकले हैं उनको अभी जयपुर के लिए रेफर किया जाएगा, फिलहाल जो है उन्हें फर्स्ट एड यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। सभी को निकाल लिया गया। कोई कैजुअलिटी नहीं, दो केजुअल है। किसी की मौत हुई है क्या? एक की हो गई, ईडी था ना उसकी। तो मतलब टोटल 14 लोग बाहर आए हैं 15 में से और एक की मौत हुई है। एक की मौत है। नहीं, 14 ही थी टोटल, 14 में एक की मौत हुई। आपका नाम बताए? मनीष। आपका नाम? भवानी सिंह, माइनिंग में। SDRF से? हाँ नहीं, मैं EF कंपनी से हूँ। इसी कंपनी में काम कर रहे हैं? हाँ, माइनिंग में। माइनिंग में? आपका नाम बताएं? भवानी सिंह। भवानी जी, आपका? मनीष सुना। मनीष जी, जीरो में जहाँ थी नहीं फंसे हुए थे वहाँ, फिर वहाँ हेल्प कर रहे थे। कितनी गहराई थी? गहरी तो जीरो की मान लो 400 फुट के करीब, मान लो 400 मीटर। हाँ हाँ, उससे भी नीचे थे। तो मतलब टोटल 14 लोग थे कुल मिलाकर? हाँ, 14 में एक एक की मौत। हाँ, थैंक यू। इधर में क्या नाम? तो जानकारी आपको देते हैं, लिफ्ट में 14 अधिकारी फंसे थे और अब जो है जयपुर उनको रेफर किया जा रहा है। चेकअप टीम कर रही है। कहाँ इनको लेके? जयपुर लेके जाएं? जो जयपुर रेफर किया है वो डॉक्टर्स ने जयपुर भी रेफर किया है। और देखिए, जयपुर की तरफ रेफर किया जा रहा है, हॉस्पिटल उनको ले जाया जा रहा है और उसके बाद उपचार यहाँ पर उनका किया जाएगा, मणिपाल हॉस्पिटल। सभी जो घायल हुए हैं उनको लेकर आया जा रहा है, क्योंकि 14 अधिकारी इसके अंदर फंसे थे। निकल लिया गया है। और क्या कुछ इसमें कोई गंभीर है, कोई इंजर्ड? ज्यादा इंजर्ड अभी सभी लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है और उधर ही जानकारी मिलेगा, जयपुर में हम लोग भेजे हैं। सर, आपका नाम बताएं सर? मयूख चटर्जी। आप क्या है सर यहाँ पर? DGM इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। कैजुअल्टी का भी है सर इसमें? कैजुअल्टी बोलने से मतलब किसी की? अभी तक मुझे कोई खबर नहीं है। सुरक्षित है सभी तक? जितना ये सभी को हॉस्पिटल भेजे हैं। रेस्क्यू कर दिया गया सर पूरा? हाँ, जितने भी फंसे थे सबको निकाल लिया गया है।
तो देखिए अच्छी खबर है कि सभी अधिकारी जो इसके अंदर फंसे थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल अब जयपुर की तरफ एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें भेजा जा रहा है जहां पर उनका उपचार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार पूरा हो गया, कंप्लीट हो चुका है, सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है। तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो दो लोगों को यहाँ पर निकाला था, लेकिन अब पूरा चरण हो चुका है, सभी लोग बाहर आ चुके हैं। अच्छी खबर है, आपको बता दें कि कल 8:30 के लगभग ये हादसा हुआ था और आपको जानकारी दे दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अब पूरा हुआ है, चार चरणों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, एक ही मौत की सूचना भी यहाँ पर हमारे पास आई है। आपको बता दें कि खेजड़ी में तांबा प्रोजेक्ट कुलिहान माइंस हादसे का एक पूरा मामला है जिसमें लिफ्ट की चेन टूटने से हादसा हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया गया और 15 घंटे के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है। चार चरणों में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया है। हमारे सहयोगी प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हैं। प्रदीप, जानकारी मिली है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया, आप जरा जानकारी दीजिए। जी मैं आप बताना चाहूंगा कि जो रेस्क्यू है वो पूर्णतः सफल हो चुका है। रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं वो सब आपके, उन्होंने इस बात की है कि जो जितने लोग बचे थे उन सबको उन्होंने निकाल लिया है। उनका लोगों ने भी उनका सब टीम का धन्यवाद दिया है। यानी यूँ कह सकते हैं कि जो अभी तक जो 16-17 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा था ये आखिरकार सफल हो चुका है। कोलियान खदान तो हादसा हुआ था उसमें सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बिल्कुल प्रदीप, हमारे पास ये भी जानकारी मिली है कि इन 14 लोगों में से एक की मौत की भी सूचना यहाँ पर मिली, आप जरा पुख्ता जानकारी दीजिए इसको लेकर। जी, एक और भी सूचना आ रही है, एक जो है उसी रेस्क्यू में जिसमें की गंभीर हालत बताई जा रही है, केसीसी अस्पताल में इसको ले जाया गया है। अभी तक नाम क्या है उसका ये अभी तक खुद से जानकारी नहीं हुआ, लेकिन एक दिन की सूचना हमारे पास आ रही है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, केसी अस्पताल में इनको ले जाया गया है। बिल्कुल प्रदीप, अस्पताल में जब जाएंगे उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी, लेकिन जिस तरह से हमने पूरा ऑपरेशन देखा, फर्स्ट इंडिया न्यूज भी पल पल की अपडेट दे रहा था, आप भी ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे थे, हमने देखा कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पल पल की अपडेट ले रहे थे, आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे थे। सलाम इन लोगों को जिन्होंने इस ऑपरेशन को किया, क्योंकि 14 जिंदगियों की बात यहाँ पर थी। जी बिल्कुल, इसमें पूरा प्रशासन निगाह थी, सरकार की निगाह थी, उच्च अधिकारी थे वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, मुख्यमंत्री रात से ही पल पल की अपडेट ले रहे हैं और सबको सुरक्षित निकालने के लिए जो जी तोड़ की टीम ने की है, जिला प्रशासन ने की है, वो काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री तो क्या नाम भजनलाल जी का भी यहाँ धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि उनके निर्देशन में आखिरकार ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी बिल्कुल प्रदीप, एक तरफ अगर हम उन तमाम लोगों की तारीफ कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है अगर वो लिफ्ट के सर्विसेज पे उसके मेंटेनेंस पे ध्यान देता तो ये हादसा नहीं होता। क्योंकि अभी हमें ये जानकारी भी मिली है कि एक की हालत गंभीर है, अगर मान लीजिए कि उसकी मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है उसके चलते किसी एक की एक भी व्यक्ति की जान जाना अपने आप में कई तरह के सवाल उठा देता है। जरूर हुई है यहाँ पर और लापरवाही के का खामियाजा जो निरीक्षण की टीम आई थी उनको चुकाना पड़ा है। ये उसमें करीब 14 लोग थे, कोलकाता से आई हुई तो विजिलेंस की वो इस दरवाजे से कोलियात में एंटर करती है करीब 5:30 बजे, उसके बाद निरीक्षण करती है और वहां से जब रही है बाहर 25 फुट पे वो रस्ता टूट जाता है ट्रॉली का और नीचे गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो उसमें बड़ी लापरवाही यहाँ केसीसी प्रबंधन की बिल्कुल सामने आई है और इस लापरवाही के साथ साथ वो जांच भी बैठानी चाहिए, वो तो कमी पाई गई जैसे ये हादसा हुआ है, उन सब पहलुओं की जांच होकर जो दोषी है उनके पास शायद संबंधित कोई शिकायत तो अगर प्राप्त हुई है किसी अधिकारी के पास वो वाकई में दोषी है, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए क्योंकि 14 लोग यहाँ पे फंसे थे। प्रदीप, एक बार आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि जिन लोगों को अभी बाहर निकाला गया है, हम उन 10 के अलावा की बात कर रही है जिनको जयपुर रेफर किया जाना है, क्या एम्बुलेंस वहां से रवाना हो चुकी है, क्या जयपुर के लिए रवानगी एम्बुलेंस ने ले ली है?
जी बिल्कुल, अभी अभी यहाँ से एम्बुलेंसों का काफिला निकला है, करीब 4 से 5 एम्बुलेंस है उनको यहाँ से भेजा गया है। उसमें एक अपडेट ये बताई जा रही है कि एक युवक है जो उसके अंदर था वो घायल बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक की हालत यहाँ पे गंभीर भी बताई जा रही है, और अब प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान यहाँ पे सामने आया हो उसको लेकर भी जरा आप जानकारी दीजिए प्रदीप, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, क्या कोई बयान सामने आया मीडिया के सामने प्रशासन की तरफ से इस ऑपरेशन के बाद? जी प्रशासन की ओर से विधिक अधिकारी बयान आया है कि कुशल सभी को बाहर निकाल दिया गया है, स्थिति कोई गंभीर ज्यादा नहीं बताई जा रही है। वजह इसमें यह है कि अभी तक क्योंकि ये सरकार का प्रोजेक्ट है, यहाँ प्रबंधन की ओर से जब तक आधिकारिक पुष्टि उनके पास नहीं आएगी तब तक जिला प्रशासन लोगों की जो मॉनिटरिंग थी वो सिर्फ सबको सकुशल निकालने की थी। ऐसे में आप उन कह सकते हैं कि जो जिला प्रशासन ने पुष्टि कर दी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा, किसी को कोई ज्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार एक है जो रेस्क्यू में शामिल था, घायल था, उसकी हालत गंभीर चिंताजनक बताई जा रही है। बिल्कुल चिंताजनक हालत है, और हम भी यही रब से यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द जो लोग हैं जो घायल हुए हैं उनका उपचार हो और तुरंत वो अपने घर पे वापस आए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदीप देखिए जिस तरह से पूरा हादसा हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया, हमने एक एक तस्वीर देखी कि तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने जी तोड़ मेहनत यहाँ पर करी, तमाम जो SDRF की टीम है उन्होंने मेहनत यहाँ पर करी, और उनकी ही मेहनत है जो रंग लेकर आई है क्योंकि सभी लोग सुरक्षित बाहर यहाँ पर निकल पाए। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी मेहनत रंग लाई है, क्योंकि करीब रात को 8:30 से जब अधिकारी हो, प्रशासनिक हो, चाहे यहाँ का नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी हो, मेडिकल विभाग के अधिकारी हो, SDRF, सबके सब काबिले तारीफ की है, उन सभी को लोग भी धन्यवाद दे रहे हैं। और ऐसे में उनके लिए ये कहा जा सकता है कि देवदूत बनकर आए थे, 1870 फीट की जो गहराई थी वहां से देवदूतों ने कुशल बाहर निकाल लिया है, वाकई में काबिले तारीफ है। SDRF से हम बात करूँ जो कर्मचारी थे वो कहा कि हमने एक और बड़ी जंग जीती, आगे भी हमारी जंग भी जारी रहेगी। ऐसे में कह सकते हैं कि जो सफलता है वो जो टीमें हैं संजीवनी का काम है, क्योंकि आखिरकार इन्होंने अपने सही मिस्त्रों पे जिंदगियां बताई है, एक कहानी और ये यहाँ हैरान है इस जुड़ी हुई यादगार में हो जाएगी, तो उन्होंने करीब 16 जिंदगियां बताई है। बिल्कुल प्रदीप, आपसे हम पल पल की अपडेट लेते रहेंगे।